हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का बुक हमें वीडियो लेकर आई हुई है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट सिचुएशन। मैं देखना चाहती हूँ आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी वैल्यू हो रही है उनके लाइफ में, उनके दिल और दिमाग में, क्या आपको वो अटेंशन देना चाहते हैं। तो चलिए रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखें। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो आपसे जितनी एनर्जी रेजोनेट करे उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। जस्ट प्लीज गाइड करें। यहाँ पे जोडियक साइन जो है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो है, लिब्रा, एक्रोस, जेमिनी है, ठीक है। यहाँ पे कप्स के नर, फोर ऑफ कप्स के नर, ये वाटर साइन है, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। और यहाँ पे सबसे स्ट्रांग साइन जो दिखाई दे रहे, सबसे ज्यादा साइन जो है यहाँ पे है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एक्रोस एंड जेमिनी, ठीक है। करेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर साइलेंस, चुप और खामोश हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको मनाने की ये प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आपकी अहमियत बढ़ रही है, इन्होंने आपसे वादा किया है मैरिज को, कमिटमेंट को, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के मन में यह भी है कि सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ सेपरेशन, कुछ गलत फहमियां, ये आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक बातें हैं कि आपको लेकर ये फाइट जरूर करते हैं। अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या उनके कंट्रोल कर रहे हैं, तो डियर ये पर्सन आपके लिए फाइट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ कुछ व्यूअर्स, ऐसे भी एनर्जी है, मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, कुछ व्यूअर्स यहाँ आपके पार्टनर जो हैं, इनके ऊपर किसी का बहुत प्रेशर है और वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस है, बिना बेवजह आपसे फाइटिंग, झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये आपसे खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने लाइफ में और इस रिलेशनशिप में ये बैलेंस कर पा रहे हैं। जब आप दोनों इस रिलेशनशिप में थे ना व्यूअर्स, उस वक्त आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे, और वो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप दोनों अलग होंगे एक दूसरे से। लेकिन अचानक कुछ टावर आया, कुछ लोग आए, थर्ड पार्टी आए, और अचानक इन्होंने दुनिया बनानी शुरू की। उस वक्त ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए सोचते थे, आपकी हर चीज पे फोकस करते थे, आपकी स्माइल पर, आपका रोना भी उन्हें पेन देता था, आपको मनाने चले आते थे। लेकिन जब आप दोनों इस रिलेशनशिप में थे, तो इन्होंने नहीं सोचा था कि आप दोनों रिलेशनशिप में इतनी बातें बढ़ जाएगी। बहुत आसान था प्यार करना, लेकिन मुश्किलों का सामना तब करना पड़ा जब टावर आया। आपके लिए ऐसा नहीं है, आपके लिए आज भी प्यार फील करते थे, तब भी प्यार फील करते थे। लेकिन यहां कुछ व्यूअर्स, अभी तक आप अपने इस रिश्ते को लेकर अभी तक आप निगेटिव नहीं हुए हो। देखा जाए तो कुछ व्यूअर्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया भी है, ठीक है।
आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया भी है, आपने पीरा भी सही है, आपके पार्टनर भी अब पीरा सह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको बिना बताए चले गए, हो सकता है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी भी हों, या इनका डिवोर्स का मामला चल रहा था, या आप हस्बैंड वाइफ हो, यहां पेरेंट्स इश्यू हो सकती है। लेकिन इन्होंने भी नहीं सोचा था, ये बीच में मजबूर हो चुके थे। लेकिन बीच में ऐसा भी हुआ कि आपसे दुनिया बनाकर ये पर्सन को ऐसे दिमाग में बातें आने लगी कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं दिखना है, और आज उन्हें समझ में आ रहा है, इन्हें लग रहा है कि जैसे मतलब जैसे इनके लाइफ पे इतने टावर गिरे हैं कि उन्हें सुलझाना मुश्किल है। आज इनके मन में है डियर कि एक तरफ आप हो, आपका प्यार है, और एक तरफ इनकी जिम्मेदारियां हैं, और कुछ के लिए समाज सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज ये पर्सन आपके लिए महसूस तो कर रहे हैं और आपके तरफ आना चाह रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी गम, कभी दर्द, ऐसा मोमेंट भी आया है। लेकिन हर जगह उन्होंने आपको मिस किया है, लेकिन वो आपके साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकते। आपको ब्लेम अगर किया है, आपको रुलाया है ना, तो उनकी भी नींदें उड़ी है। अगर आप कई रात जागे हो, वो भी कई रात जाग रहे हैं, वो चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है, उनका कहना भी आपने कभी टाला नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने किया है, ठीक है। उनका कहना कभी भी आपने नहीं टाला, आप दूर रहकर भी अपने पार्टनर के लिए प्यार एनर्जी सेंड करते रहे, आप रोते रहे, काम करते रहे दिन और रात, लेकिन आपकी निगाहें और दिमाग आपके पार्टनर पे ही रहा। आज वो ऐसे समय को देख रहे हैं, अंदर की वो खुशी पीस को ही भूल गए हैं। इनके लाइफ में एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपके ना होने से, आपके बात ना करने से। कुछ वर्ष आपके पार्टनर ने बातचीत की होगी, ठीक है, हो सकता है आजकल में कुछ वर्ष आपके पार्टनर बात की होगी, बट ये फिर भी आपको अगर क्लियरिटी नहीं दे रहे ना, उनके मन में वो खुशी नहीं मिल रही है, आपसे फैमिली वाली फीलिंग्स मिलती है और उनके लिए आप सही हो, और ये आपकी बहुत इज्जत करते, ये आपसे कहना चाहते हैं, प्यार करता हूं या करती हूं, या मैं इज्जत करता हूं या मैं इज्जत करती हूं। इनकी अंतर आत्मा कचोट रही है, पछतावा और गिल्ट की एनर्जी में है, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये रिग्रेट की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये खुद को तोड़ रहे हैं, ये माफी मांगना चाहते हैं। इनके अंदर फियर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपको ये खोना नहीं चाहते हैं, लीगल इशू में जाना नहीं चाहते हैं, फैमिली को भी बचाना चाहते हैं, जिम्मेदारियां भी निभाना चाहते हैं। एक तरफ आप हो, एक तरफ जिम्मेदारियां, एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ इनका प्यार है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है किसी के लिए कुछ और भी हो जहां उनको कंट्रोल किया जा रहा है, बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको दुख भी नहीं देना चाहते, ना ये खुलकर इजहार कर पा रहे हैं। देखिए, ये जोर जबरदस्ती से भी जिंदगी को काटना नहीं चाहते हैं, किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बहुत वर्ष आपके पार्टनर सफरिंग से जरूर गुजर रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है ना, मैं गिव अप कर देता हूं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं, और आपको लेकर डीप लव महसूस करते हैं, और इन्हें जो तकलीफ होती है उस तकलीफ में आपका प्यार और पैंपर याद आता है। इनको थोड़ा वक्त चाहिए, आपसे मिलना है, बात करना है, सिचुएशन को समझाना है, बैलेंस करना है। वो आपसे पूछना भी चाहते हैं, सच में क्या आप उन्हें इतना प्यार करते हो, क्या उनकी फिक्र हो रही है आपको कि किस हाल में है, ये क्या कर रहे हैं, मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूं, ये आपसे भी पूछना चाहते हैं और आपसे कहना भी चाहते हैं। हो सकता है ये आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ गलत फहमियां हैं जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं।
बिना भेजा है आप दोनों में फाइटिंग होती है, बात होती है, कॉल मैसेज आता है, आप दोनों में फाइटिंग होती है, तो ऐसी जिंदगी उन्हें अच्छी नहीं लगती। इनका गुस्सा बढ़ जाता है, इनका सर का जो पारा होता है वो बढ़ जाता है। देखा जाए तो दोनों खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कुछ उम्मीदें आपको उनसे, कुछ उम्मीदें उन्हें आपसे है, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन आपकी कमी वो समझ रहे हैं अपने लाइफ में। आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर भी सोच रहे हैं, मैरिज को लेकर सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर कुछ को देखकर चलते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, या उनका करियर हो, जॉब हो, सोसाइटी हो, समाज हो। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं बट ये उठा नहीं पा रहे हैं, इस बात का इनको रिग्रेट है। आपके लिए प्यार है जो वो फील कर रहे हैं, जो एहसास कर रहे हैं कि आप उनके लिए ट्रू लव हो, और इनके ऊपर हो सकता है कि किसी ने कुछ और कुछ किया है, होता है ना डियर, स्पेल वगैरह किया हो बस में रहने के लिए, खुद से दूर जाने के लिए नहीं, तो कहीं ना कहीं उन इस सिचुएशन में उनकी फाइटिंग किसी से हो रही है। और कुछ लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट भी करते हैं, धमकी भी देते हैं। आपका प्यार डिवाइनली गाइडेड है, मुझे लगा यहाँ पे बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके तब यू टर्न लेने वाले हैं। स्ट्रगल तो दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन इन्हें भी कुछ डिसीजन लेना है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपका आपको होते सामना यानी कि फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको इन्होंने रुलाया है। अब इनको लग रहा है फियर क्यों आ रहा है, डर क्यों रहा है, क्योंकि आपको ये खोना भी नहीं चाहते हैं। सही वक्त पर इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो समझा। कभी कभी इनका मूड होता है जब तकलीफ होती है कि आपका अटेंशन नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, तो आप बदल गए हो, तो इनके मन में कुछ ना कुछ डर चलता है, लेकिन प्लानिंग भी कर रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि मैं मूव ऑन कर देता हूँ, बट ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन ये दुआ कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, अगर वो आपको अप्रोच करे या ना करे, आपको क्लैरिटी दे या ना दे, आपके साथ न्याय करे ना करे, आपसे बात एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है मैरिज कमिटमेंट और आपको न्याय देने में, बट ये कर रहे हैं। आपको खुलकर नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप पीछे पड़ जाओगे। और ये दिमाग से चलने वाला इंसान है जो प्रेशर नहीं लेना चाहता। किसी सिचुएशन में ये सेपरेशन में हैं और वहां से लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। और इनके पेरेंट्स भी हैं, हो सकता है इनको सोसाइटी समाज इमेज की पड़ी है, पैसे की पड़ी है, हो सकता है रिलीजन इश्यू हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, कुछ हो सकता है कि आप लोग कोई हो यहाँ पे, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ हो सकता है उनके पास नहीं हो सकता, या फिर उनके पास बहुत कुछ है आपके पास नहीं हो सकता है, तो एक लेवल की एनर्जी भी है। लेकिन ये मैनेज करना चाहती इस रिश्ते में, ये कच्चा रिश्ता नहीं है, यूं ही टूट जाएगा, ये पक्का रिश्ता है और ये डिवाइनली गाइडेड है। आई लव यू आपसे कहना चाहते ये एहसास के साथ, लेकिन उनकी मजबूरियों को आप समझ सकते हो, गुस्सा इनको भी आता है। मुझे लग रहा है व्यूअर्स ये नहीं छोड़ पाएंगे आपको, कभी भी नहीं। प्यार, इमोशंस, चाहत भी इनका फील हो रहा है। अब धीरे धीरे आपके लिए पैशनेट एनर्जी, एक अटैचमेंट वाली एनर्जी हो रहा है, लेकिन आप जितना इनोसेंट हो वो सोचें कि इतना इनोसेंट सही नहीं है। आप खुलकर बात कीजिए, इजहार कीजिए, स्ट्रांग बनिए। हो सकता है आप जॉब करते हो, आते हो जाते हो, सब कुछ सही है, लेकिन इनके लिए आप खुलकर बात नहीं करते हो। तो आपके पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है डियर कि यहाँ पे कुछ आपके तरफ आपके पार्टनर की एक्शन होने वाली है, या कॉल मैसेज रिसीव करोगे, या फिर आपके तरफ ये मिलने भी आ रहे हैं, ठीक है। रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, अपने डर को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर फैमिली प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा नाराज़ है, अपने पेरेंट्स से भी नाराज़ हैं। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर तो काफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि इधर सफरिंग से काफ़ी गुजर रहे हैं, लेकिन आपके लिए डीप लव फील कर रहे हैं। कभी कभी इनका गुस्सा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं किस किस को संभालूं, लेकिन अपने प्यार को ये नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं,
ऐसी एनर्जी। चलिए करेंट एनर्जी में देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए उनको एहसास हो रहा है, ठीक है, उन्हें एहसास बिल्कुल हो रहा है। क्या वो आपके तरफ आना चाहते हैं? मुझे लग रहा है यू टर्न की एनर्जी तो दिखाई दे रही है। आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं या कॉल मैसेज करना चाहते हैं? आपको देखना चाहते हैं। आपकी स्माइल उन्हें बहुत याद आ रही है। कोई यहाँ पे ग्रीन कलर का ड्रेस पहनता है, आप मेल हो फीमेल हो जो भी, ग्रीन 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 बहुत एनर्जी आ रही है। ग्रीन ब्लू, ग्रीन और ब्लू ड्रेस, ब्लैक एंड व्हाइट, ऑरेंज, रेड, ये कलर आप या आपके पर्सन पहनते हैं। व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू, ठीक है, ब्राउन, ये कलर्स मुझे दिख रहा है। तो आप या आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं या आपको पसंद है आपके पार्टनर के जो वो ड्रेस पहनते हैं, जो भी हो कलर, ये पसंद आपको आते हैं आपके पार्टनर को आते हैं। अगर कोई इसमें से आप पहनते हो या वो पहनते हैं, ठीक है, ये कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट बहुत स्ट्रांग है, ब्लू है, ब्राउन है। देखिए न्यू बिगिनिंग, आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बोली ना साइलेंस की एनर्जी से निकलना चाहते, बहुत हो चुका, अब नहीं, अब या इन्हें आप चाहिए, हम थक चुके हैं, भाग भाग कर ही थक चुके हैं, अब मुझे ऑफर करना। देखिए मैंने एस ऑफ कप्स की एनर्जी बोली, न्यू बिगिनिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। दुखी हैं, आपके बगैर खुश नहीं है, प्रेशर बर्डन है, बट निकलना चाहते हैं। टू ऑफ वांड्स, बहुत व्यूअर्स आप दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ गई, ठीक है, कार्ड तो क्लियर मैं कर दे रही हूँ बस यूं ही। उसके बाद बैलेंस जा रहे हैं, ये पर्सन दिल के साफ हैं, जो है इनका ईगो है, गुस्सा है और कुछ नहीं है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, और आपके तरफ तेजी से बढ़ना चाहते हैं। देखिए न्यू बिगिनिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, और आपसे उम्मीदें भी जो है उनको लग रहा है आपसे जो प्यार मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपके तरफ आपके पार्टनर आप पर फिदा हो रहे हैं और ये पर्सन आपके तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पर्सन भाग भाग कर थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब इनका जो प्यार है, जो इनका सोल है, जो इनकी आत्मा, अंतर आत्मा है, ये सिर्फ आपको ढूंढ रही है, आपकी तरफ देख रही है। इनको सोच सोच कर बहुत हेडेक होता है। ये दिल के सांप हैं, जो कहा जाता है कि नारियल के समान जो इंसान होता है, ऊपर से सख्त और नीचे से सॉफ्ट वाली एनर्जी, उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। हर हाल में इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। देखिए दुखी उदास है, प्रेशर बर्डन बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है डियर बहुत, अगर आपके पार्टनर या आपके लाइफ में दो चॉइस है तो हो सकता है ये पर्सन अपने डर को खत्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन आपकी फैमिली है तो पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपके साथ ही फैमिली अपना बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत पैशनेट है। अब पैशनेट एनर्जी के साथ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए मैंने बोला आपको ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, मिसिंग एनर्जी विश फुलफिलमेंट के चांसेस हैं, तो ये आपके पर्सन आपके तरफ यू टर्न लेने वाले हैं, ठीक है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है, उदासी से निकलना चाहते हैं। इनको खुद लग रहा है कि मेरे रिश्ते पे किस ग्रहण लग चुका है, तो इस ग्रहण को हटाना चाहते हैं, डर को खत्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ ये भुलाना चाहते हैं और मिस बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, हार चुके हैं अपने लाइफ से, सिचुएशन से, आज आप उनको याद आ रहे हो, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखिए आज आपके पार्टनर आपके लिए कितना कुछ याद कर रहे हैं, उनके मन में कैसी कैसी बातें आ रही है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 211 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, ठीक है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 नंबर, 1 नंबर आप सब के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है, या फिर आप लोग की रियूनियन हुई है या होने वाली है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ऑफर करने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त आपके पार्टनर करेंट सिचुएशन में बर्डन में है, दर्द में है, पेन में है, लेकिन यहाँ से ये निकल रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे, ट्रैवलिंग भी हो रही है और आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।